देखिए, सबसे पहले जब आप प्रिंस ओलंपियाड का लिंक ओपन करेंगे तो आपको दो चीज़ें दिखाई देंगी, यूज़र नेम, रोल नंबर और पासवर्ड। रोल नंबर आपको फिलअप करना है, नाम नहीं करना। उसके बाद में मोबाइल नंबर आपको वो देने हैं जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिए थे। उसके बाद में लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे आपको बस दिखाएगा साइन इन। साइन इन आपको करना है, ठीक है। लॉगिन करते ही आपको ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में आपको यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस पेपर आपको दिखाई दे जाएगा। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर दिखाई दे, उससे पहले आपको एक इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। पहले नंबर पे जनरल इंस्ट्रक्शंस जो है ना, उसके ऊपर फोकस करना है। जैसे इसको ऊपर स्क्रॉल अप करेंगे, जैसे यहाँ नेक्स्ट का बटन आएगा, नेक्स्ट के ऊपर प्रेस करना है आगे बढ़ने के लिए। जैसे ही आगे बढ़ने के लिए आप क्लिक करोगे, स्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ एक चीज़ लिख रखी है, बॉक्स दिख रखा है, आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस। इसके साइड में एक बॉक्स है, उस बॉक्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते राइट का निशान आ जाएगा और उसके बाद में आपको स्टार्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट के बटन पर क्लिक करते हैं, आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको दिखाई दे जाएगा। आपको 5 सब्जेक्ट दिखाई देंगे, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश और मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग। इन 5 सब्जेक्ट में आपको जो सब्जेक्ट पहले करना है उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। जैसे कि मैं अगर साइंस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो साइंस का पेपर ओपन हो जाएगा। अगर मैं सोशल साइंस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो सोशल साइंस का पेपर क्लिक हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इंग्लिश के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इंग्लिश का पेपर ओपन हो जाएगा। आपको क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन कर रहे हो उसके ऊपर टिक मार करना है। सर्कल के वजह से 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, किसी के ऊपर आपको जो आंसर सही है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक के बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। सेव और नेक्स्ट का मतलब आपका जो क्वेश्चन आपने जो दिया है आंसर वो सेव हो चुका है और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। इसी प्रकार से आपको सभी सब्जेक्ट में आपको जो पेपर है वो सॉल्व करना है। जैसे ही आप सभी क्वेश्चंस कर लेते हो, टाइम चलता रहेगा। आप देखो ऊपर 29:04 ये दिखाई दे रहा है, इस हिसाब से टाइम कंटिन्यूसली चलता रहेगा। उसके बाद में प्रिंस ओलंपियाड के बिल्कुल सामने सबमिट टेस्ट लिख रखा है। सबमिट टेस्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप में आएगा कि आप श्योर हैं कि आपका टेस्ट हो चुका है। उसके बाद में ओके के ऊपर प्रेस करना है। जैसे ही आप ओके के ऊपर प्रेस करते हैं आपका पेपर जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और आप रिजल्ट का वेट करें। आप थैंक यू। आपको इसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन में करना है, हर एक चीज़ को ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। पेपर सोल्व होने के बाद में आपको मैसेज कर देना है कि सर हमने सोल्व कर दिया। ओके।